हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाशदीप स्वागत करता हूँ आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को पढ़ा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने 2 यूनिट कम्प्लीट की है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फर्स्ट यूनिट, और सेकेंड है हमारा ऑप्टिकल सोर्स। ठीक है, थर्ड यूनिट का मैंने एक लेक्चर लिया है जो कि है आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर के बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बेसिकली ऑप्टिकल डिटेक्टर वह डिवाइस होते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होता है हमारा, उससे प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है ना, उसके जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है उसके अंदर जो हमारा सिग्नल का ट्रेवलेशन मतलब ट्रेवल होता है वो होता है आपका लाइट्स वेव में। जो हमारा ऑप्टिकल डिटेक्टर होता है उससे प्राप्त यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से प्राप्त इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो भी हमारा लाइट सिग्नल है उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसके अंदर जो फोटो डिटेक्टर होता है हम मोस्टली यूज करते हैं फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर, पीएन फोटो डायोड होता है आपका, पिन डायोड होता है, एवलांचे डायोड होता है, इनको यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट यानी कि लाइट एनर्जी को डालते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, ओरिजिनल सिग्नल है हमारा कोई भी, जो कि हमारा डाटा वॉइस और आपका क्या कहते हैं ऑडियो वीडियो की फॉर्म में होता है, उसको वापस से हमें क्या करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं इसका ऑप्टिकल डिटेक्टर का। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो आपका पीएन फोटो डायोड होता है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है वो सब मैंने बताया था। उसके अंदर जो चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो फ्लो वो बेसिकली क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट होता है उसके कारण होता है। और लीकेज करंट जो डिवाइस है वो फ्लो होता है लीकेज करंट हमारा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कारण हमारा लीकेज करंट फ्लो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षरण धारा, उसको बोला जाता है क्षरण धारा। अब समझ लेते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर क्या है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऑप्टिकल डिटेक्टर सपोज कीजिए ये ऑप्टिकल डिटेक्टर है, ऑप्टिकल डिटेक्टर। ठीक, जो इसका इनपुट सिग्नल होगा वो होगा आपका, ये आपका इनपुट होता है और ये आपका आउट। ठीक है, तो जो इनपुट होता है वो लाइट एनर्जी होती है हमारी, यहाँ पे होगा आपका लाइट एनर्जी जो कि आपकी आ रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल से, ऑप्टिकल फाइबर केबल से आ रही है वो लाइट एनर्जी। और ये डिवाइस ऐसा डिवाइस होता है इसको ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है। ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस होते हैं जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट एनर्जी है, ये यानी कि लाइट सिग्नल है, उसको कन्वर्ट करेगा ये किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अब देखिए लाइट एनर्जी है हमारी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके किसमें करा वो लाइट सिग्नल, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हैं हम यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो है हमारी जो एनर्जी है एक फॉर्म की एनर्जी वो लाइट है। ठीक है, और यहाँ पर है आपकी इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये एक फॉर्म की जो एनर्जी है आपकी मतलब एक फॉर्म मतलब उसका एक टाइप है लाइट, और दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर जो फोटो डिटेक्टर होता है हम मोस्टली यूज करते हैं पीएन फोटो डायोड होता है हमारा, पीएन फोटो डायोड, और आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। और दूसरा होता है हमारा पिन फोटो डायोड। ठीक है, इसके बारे में स्टडी के लिए आप देखिए कैसे ये वर्किंग करता है, कैसे वर्क करता है ये। यहाँ पर देखिए आप, ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो एनर्जी लेवल है, यहाँ पर दो एनर्जी लेवल ईवी और ईसी। जो ईवी है आपका ईवी, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड, ये होता है वैलेंस बैंड, और ये स्टेबल होता है अपने आप में, एक स्टेबल होता है।
ठीक है, इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड। क्या होता है? कंडक्शन बैंड। इसको वैलेंस बैंड एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड एनर्जी, ठीक है, और इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोला जाता है फोरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। ओके, ये होता है आपका फोरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, तो अब क्या होता है कि यहां से कोई अगर आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर हम उसको कोई एनर्जी देते हैं, यानी कि उस पर फोटोन रिलीज करते हैं, ठीक है, फोटोन की बमबारी की जाती है जो कि हमारा लाइट की फॉर्म में होती है, जैसे कि मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर ये क्या है, इनपुट लाइट सिग्नल। तो बेसिकली ये होता है आपका फोटोन, फोटोन होते हैं जो हम लोगों को लाइट के रूप में दिखाई देते हैं। तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर फोटोन की आपकी इंसिडेंट होगा तो ये लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक, तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो पीएन डायोड है, ये आपका पीएन फोटो डायोड वर्क करता है। अब देखिए, जो पीएन फोटो डायोड होता है वो बेसिकली हमें जो करंट आउटपुट पे मिलता है वो एक्चुअल में लीकेज करंट होता है, उसको क्षरण धारा बोलते हैं। और क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट जो होता है वो फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में, जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कारण फ्लो होता है। अब आप देखिए, ये है आपका पीएन जंक्शन, पीएन फोटो डायोड, ये डायग्राम है आपका, ये पी टाइप है आपका और ये एन टाइप है। एक्चुअल में जो हम इनको जोड़ते हैं वो रिवर्स बायस में जोड़ते हैं। रिवर्स बायस का मतलब ये होता है कि जो पी का बैटरी कनेक्शन होगा वो निगेटिव से और एन का कनेक्शन होगा आपका पॉजिटिव से। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पी जो होता है ये निगेटिव होगा आपका और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये निगेटिव होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, ये जो रीजन है ये एक्चुअल में कहलाता है डिप्लेशन रीजन, ये कहलाता है आपका डिप्लेशन रीजन। ठीक है, डिप्लेशन रीजन को बोलते हैं हिंदी में अवक्षय परत। डिप्लेशन रीजन को बोला जाता है अवक्षय परत। यह वह परत होती है जो इसके अंदर ना हमारे चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते हैं। चार्ज कैरियर्स से मतलब हो गया आपका जिसके अंदर चार्ज होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आपके होल्स हो गए। होल्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो डिप्लेशन क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर दोनों ही चार्ज कैरियर्स नहीं पाए जाते हैं। तो फिर इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाए जाते हैं आपके इमोबाइल चार्ज कैरियर। इमोबाइल चार्ज कैरियर क्या होते हैं, जिसके अंदर जिस पर ना तो निगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव होता है। एक्चुअल में जब कोई आप कहते हैं मटेरियल एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो उस पर क्या होता है, चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव आइदर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, ये इमोबाइल चार्ज कैरियर बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे पी के अंदर जो इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं वो ये होते हैं आपके निगेटिव। तो यहाँ पर आपके निगेटिव होगा और जो एन टाइप है इस पर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा किधर, पॉजिटिव की तरफ, और जो होल्स होगा वो करेगा निगेटिव की तरफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अपोजिट चार्ज कैरियर होते हैं, जो अपोजिट होते हैं चार्ज कैरियर्स, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम होते हैं चार्ज कैरियर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, यानी कि दूर भागते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर चार्ज है आपका निगेटिव और यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पर क्या है आपका पी टाइप के अंदर क्या है, होल्स, होल्स क्या है, यहाँ पर चार्ज है निगेटिव, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा। अब ये है आपका पीएन जंक्शन का एनर्जी बैंड डायग्राम, इसको बोला गया है एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। ये है एनर्जी बैंड डायग्राम। तो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वैलेंस बैंड का एनर्जी है और ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी है। यहाँ पर देख रहे हैं वैलेंस बैंड की एनर्जी और ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी लेवल होता है
इन दोनों का वो क्या होगा, पी टाइप के केस में ये होगा आपका और एन टाइप के केस में ये होगा, और इन दोनों के बीच के गैप को बोला जाएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है, ईजी। ठीक है, ईजी क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, अब क्या होता है, जो डिप्लेशन क्षेत्र है आपका, डिप्लेशन क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, जो इसका आपका लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा और एन टाइप के लिए भी डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आपका ईसी है, ये क्या है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, और ईवी जो है आपका वैलेंस बैंड का क्या है, एनर्जी लेवल है। एक इसके अंदर फर्मी लेवल आती है टर्म। फर्मी लेवल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे पी टाइप है तो पी टाइप के लिए जो एनर्जी लेवल होता है वो 50% से कम होता है। फर्मी लेवल जो होगा उसका पी टाइप के लिए कम होगा, कि वो नजदीक होगा किसके, वैलेंस बैंड के, और इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन बैंड तो ये क्या होगा, नजदीक होगा आपके किसके, आपके कंडक्शन बैंड के, इन टर्म्स ऑफ एन टाइप। ठीक है, तो यहां देखेंगे आप, ये आपका वैलेंस बैंड के नजदीक है फर्मी लेवल, किसका, पी टाइप का, और एन टाइप का किसके नजदीक है आपका, कंडक्शन बैंड के। तो ये आपका पूरा होल प्रोसेस है। इसके अंदर जब हम यहाँ पर बैटरी को अप्लाई करेंगे या वो करेंगे, ठीक है ना, या लाइट एनर्जी को मतलब क्या किया जाएगा, लाइट एनर्जी को वो क्या जाएगा, इस पर इंसिडेंट किया जाएगा, तो क्या होगा, आपका होल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम है, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम। अब समझ लेते हैं इसका वर्किंग, वर्किंग कैसे वर्क करता है ये। देखिए यहाँ पर आपकी जो बैटरी अप्लाई की है वो है आपकी निगेटिव, ये पॉजिटिव, बैटरी को अप्लाई किया गया है रिवर्स बाइस डायरेक्शन, रिवर्स बाइस कंडीशन में, ये है आपकी रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस में, ठीक है। रिवर्स बाइस के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो लीकेज करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसको चरणधारा बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक। तो पी टाइप और एन टाइप, और ये जो क्षेत्र है ये है आपका डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ये है आपका डिप्लेशन रीजन, ठीक, इसको बोला गया है डिप्लेशन रीजन, ये क्षेत्र को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिप्लेशन रीजन, ठीक है, ये डिप्लेशन रीजन है। आप जानते हैं पी टाइप में जो मेजोरिटी होती है वो होल्स की होती है, और यहाँ पर आती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ है आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये आपके होल्स हैं। ये जो डिप्लेशन क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर जो है आपका ना कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाता है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, केवल इमोबाइल चार्ज कैरियर होंगे जो कि एन टाइप के केस में पॉजिटिव होते हैं और इसके केस में आपके निगेटिव होते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद जो ये डिप्लेशन रीजन से नीचे का एन टाइप का क्षेत्र है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन रीजन, ठीक है, ये क्या होगा, डिफ्यूजन रीजन, और ये वाला रीजन होगा आपका एब्जॉर्प्शन रीजन, यानी कि यहां पर जो है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स या मतलब एब्जॉर्प्शन रीजन ऐसा बोल सकते हैं, जो आप लाइट को इंसिडेंट करेंगे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो उसके अंदर कुछ मतलब प्रक्रिया होगी, ठीक है ना, तो उसको रीजन को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन रीजन, ठीक। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, क्या कहते हैं आपका पीएन फोटो डायोड का। पीएन फोटो डायोड बेसिकली काम करता है आपका जो है लीकेज करंट पर, छरणधारा पर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आपकी ऑप्टिकल एनर्जी है यानी कि लाइट एनर्जी है उसको इंसिडेंट किया जाएगा, ठीक है, इंसिडेंट किया जाएगा, और फिर उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है, टूटेंगे और वो क्या करेंगे, आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आपका करंट फ्लो होगा रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट। तो ये आपका पूरा पीएन फोटोडायोड का वर्किंग है। इसके बाद में जो सेकेंड टाइप ऑफ फोटोडायोड या फोटो ऑप्टिकल डिटेक्टर हम यूज करते हैं वो होता है पिन डायोड, पिन फोटोडायोड। अब समझ लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है। आप देख रहे हैं ये जो डिप्लेशन क्षेत्र है किसका, पीएन फोटो डायोड का,
डिप्लेशन क्षेत्र होता है कम, ठीक है, डिप्लेशन क्षेत्र होता है कम, जिस कारण से डिप्लेशन क्षेत्र पर ही हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं लाइट को। अगर उसका क्षेत्र कम रखा जाएगा तो जो लाइट है हमारी वो एक्चुअल में प्रॉपर उस पर इंसिडेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमने यूज किया पिन फोटोडायोड। पिन फोटोडायोड के अंदर क्या होता है, जो डिप्लेशन क्षेत्र है यानी कि जो आई है आपका, आई डिनोट करता है इंट्रेंसिक लेयर को, ये डिनोट करता है इंट्रेंसिक लेयर को, ये एक्चुअल में जो पिन डायोड है उसका डिप्लेशन क्षेत्र को बढ़ा देता है, डिप्लेशन क्षेत्र को बढ़ाएगा इसके, ठीक है। तो डिप्लेशन क्षेत्र जब हमारा बढ़ जाएगा तो अब जो भी हमारी लाइट होगी, जो हमारी लाइट है वो इस पर डायरेक्टली इंसिडेंट करेगी, ठीक है, उसके ऊपर टकराएगी और जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, हमारी जो लाइट की डायरेक्शन होगी वो इधर उधर, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन पर ही हमारी लाइट का फोकस रहेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और ये आपका डायग्राम है पिन फोटो डायोड का। तो पिन फोटो डायोड के अंदर हम क्या करते हैं, ये पिन फोटो डायोड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको बनाते कैसे हैं, ये SiO2 की लेयर है, SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेशन करने के लिए, यानी कि उसको इंसुलेट करने के लिए यूज किया जाता है SiO2 लेयर का। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रिंग है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रिंग, ठीक है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट रिंग का मतलब हुआ यहाँ पर जो भी हम बैटरी को अप्लाई किया जाएगा वो इन कॉन्टैक्ट पे अप्लाई किया जाएगा, यहाँ पर ये दो कॉन्टैक्ट और एक यहाँ पर, ठीक है, जो भी बैटरी हम अप्लाई करेंगे इन तीन कॉन्टैक्ट पर ही अप्लाई करेंगे। एक्चुअल में जो पिन डायोड होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो इस तरीके से बनता है आपका, अगर आप लोगों को नजर आए, ये पी टाइप होता है, ये आई इंट्रेंसिक लेयर होती है और ये एन टाइप होता है, ठीक है, इसी का वाइड रूप ये है, इसी का वाइड रूप ये है, ठीक है, तो इसी का वाइड रूप ये है। यहां पर देखें आप, ये पी हो गया, ये आई हो गया, ये एन हो गया, ठीक है, पी आई एन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका पी टाइप है, ये पी, ठीक है, ये आई और ये हो गया आपका एन, इसीलिए इसका नाम पड़ा पिन फोटो डायोड, समझ गए। यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये आई इंट्रेंसिक लेयर है, आपकी इंट्रेंसिक लेयर है और ये है आपका एन टाइप। आप जानते हैं जो पी टाइप होता है उसके अंदर जो मेजोरिटी होती है वो होल्स की होती है, ठीक है, उसके अंदर, और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी होती है। लेकिन जो हमारा फोटो डायोड होता है वो वर्क करता है इस पे, आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि उल्टा वर्क करता है ये, ठीक है। तो पी में माइनॉरिटी होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर एन में होंगे आपके जो है होल्स, ठीक है, ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं जिसके कारण से करंट फ्लो होता है, जिसको बोला जाता है लीकेज करंट यानी कि क्षरण धारा, ठीक। तो जब हम इस पे लाइट को इंसिडेंट किया जाता है, इंसिडेंट की जाएगी आपकी इंट्रेंसिक लेयर पर ये, ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है। और इसका एडवांटेज ये होता है, जो हमारा पीएन फोटो डायोड होता है उसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर बनती है, जो डिप्लेशन लेयर बनती है वो बहुत क्या होती है, नैरो होती है, बहुत कम होती है। तो जो हमारी लाइट का इंसिडेंट होता है वो प्रॉपर एक एब्जॉर्प्शन रीजन पर नहीं पड़ पाता है, जिस कारण से हम यूज करते हैं पिन फोटो डायोड। आई होप ये डायग्राम आपको समझ आ रहा होगा, अभी आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए इसका नाम पिन फोटो डायोड क्यों पड़ा, एक्चुअल में ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन होता है, किस किस का, एक तो पी टाइप, एक इंट्रेंसिक लेयर और एक एन टाइप। इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर हम यूज करते हैं वो सिलिकॉन है, यहाँ पर पी सिलिकॉन, ये यहाँ पर आई, ये भी सिलिकॉन है और ये एन सिलिकॉन है, ठीक है। मैट इलेक्ट्रिकल जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है बैटरी को अप्लाई करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही लाइट का इंसिडेंट होगा आपका, इसी रीजन पे हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे, क्योंकि यही हमारी आई, आई क्या है, हमारा इंट्रेंसिक लेयर,
इंट्रेंसिक लेयर पर ही हम क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट किया जाएगा, और इसलिए किया जाता है, इसका रीजन ये होता है, जो इंट्रेंसिक लेयर होती है वो पिन फोटोडायोड के केस में बहुत वाइड होती है, जिससे हमारा फोकस लाइट का उसी पर पड़े। ठीक, जैसे यहाँ पर इस पर फोकस किया जाएगा इस पर, तो यहाँ पर देखेंगे आप जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या करने लगता है, टेम्परेचर के कारण टूटने लगता है। जैसे जैसे टूटेगा तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी संख्या बढ़ने लग जाएगी। जैसे ही चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी तो उसके अंदर जो मोमेंट होगा उसके कारण रिवर्स, मतलब जो भी उसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके कारण क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, एक करंट फ्लो होने लगता है जिसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, इसको बोला जाएगा लीकेज करंट, लीकेज करंट, और हिंदी में बोलते हैं इसको क्षरण धारा, क्षरण धारा। और ये होता है किसके कारण, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, जिसे लीकेज करंट या क्षरण धारा कहा जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये हो गया आपका लीकेज करंट। ठीक है, और वो करंट कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, जो भी हमारे ये इलेक्ट्रिक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्ट रिंग है, इनके द्वारा अप्लाई करके, ठीक है, इनके द्वारा हम वोल्टेज को अप्लाई करके क्या करेंगे, लीकेज करंट हम क्या करेंगे यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप के हमारे होते हैं ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल डिटेक्टर के बारे में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो ऑप्टिकल डिटेक्टर होते हैं वो उनका रीजन क्या होता है, बेसिक पर्पज क्या होता है इसमें हमारे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अभी हमने दो प्रकार के पिन डायोड और पीएन फोटो डायोड इनके बारे में सीखा। और पिन डायोड इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, आई इंट्रेंसिक लेयर एंड एन टाइप, ठीक है, इनका बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी और दूसरे तरीके से वर्किंग समझूं तो यहां पर देख लीजिए आप लोग कैसे समझेंगे इसको। ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन डायग्राम के बारे में मैंने बता दिया कि जैसे ही हम इस पर लाइट का इंसिडेंट करेंगे, यहां पर देखिए एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है इसके अंदर। जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग होती है उसका मेन कारण है, जो भी लाइट आपकी क्या होती है डिफरेंट मतलब डायरेक्शन से आती है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, ये जो कोटिंग होती है ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोकस करती है। दैट मीन्स कि अगर आपकी लाइट का इंसिडेंट इधर से हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन अब सिमिलर ऐसे होगी, ठीक है ना, तो एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या करेगी ये, इसको क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इस कोटिंग का ये काम होता है एंटी रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्ट ना हो। दैट मीन्स कि अगर कोई लाइट आ रही है और वो उस पर, उस सतह पर पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उस सतह के पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता है हमारे किसमें, पिन फोटो डायोड या किसी भी और मतलब डिवाइस के अंदर, क्योंकि तो जितनी भी लाइट उस पर आ रही है वो सब रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें इस प्रकार की कोटिंग बनानी होती है जो कि क्या हो, रिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि एंटी रिफ्लेक्टेड बने। दैट मीन्स कि जो भी लाइट उस पर पड़े वो क्या हो जाए, उसको एब्जोर्व कर ले, वो उसको एब्जोर्व कर ले। ठीक है, तो यही काम है इसका एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का। जो भी आपकी ये आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, सपोज कीजिए यहाँ से कोई लाइट का इंसिडेंट होता है और वो इस तरीके से निकल जाती है, तो क्या होगा, उसका कोई यूज रहेगा नहीं हमारे इसमें, जो आपका पिन फोटो डायोड होता है। ठीक है, तो ये
आपका पिन फोटो डायोड का कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब इसका थोड़ा बाहर से वर्किंग समझ लेते हैं कि क्या किस प्रकार वर्क करता है ये। आई होप आपने ये सब बना लिया होगा। अब देखें आप, ये है आपका पिन फोटो डायोड। अब देखिए समझिए, जो लाइट का इंसिडेंट यानी कि जो लाइट का फोकस रहेगा, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल से आएगी, ठीक है, उसका फोकस सीधा उस पर रहेगा इंट्रेंसिक लेयर पे। इसको बोला जाता है इंट्रेंसिक लेयर, यहाँ लिख देते हैं इंट्रेंसिक लेयर, ठीक है। ये आपका होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी टाइप सेमी कंडक्टर, और ये होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसके अंदर जो मेजोरिटी होती है, यहां लिख देते हैं मेजोरिटी, वो होती है आपकी होल्स, और माइनॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, माइनॉरिटी होती है आपकी यानी कि मिनिमम क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो होती है यहाँ लिख देते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी होती है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की, और माइनॉरिटी होती है होल्स की, माइनॉरिटी होती है आपकी होल्स की, ठीक है। ये हो गया। इसको यूज करने का मेन रीजन होता है, जो हमारा पीएन फोटो डायोड था उसके अंदर जो डिप्लीशन क्षेत्र था, जहां पर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत कम होता है, उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है पीएन, पी आई एन यानी कि पी आई एन फोटो डायोड का यूज किया है। जो इंट्रेंसिक लेयर है उस पर हम क्या करते हैं, लाइट का फोकस किया जाता है उस पर, लाइट को फोकस किया जाएगा, ठीक है, लाइट को यानी कि इंसिडेंट किया जाएगा। अब जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का क्या कहते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपका मतलब बॉन्डिंग उनकी टूटने लग जाएगी और वो संख्या में ज्यादा होने लग जाएंगे, तो जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा एक करंट फ्लो होगा जो कि बहुत मात्रा में कम होता है, जिसको क्षरण धारा यानी कि लीकेज करंट कहते हैं, जिसका मान मिली एम्पियर से भी कम हो सकता है, ठीक है ना, वो फ्लो होता है इसके पी आई एन के केस के अंदर, ठीक है, वो बहुत कम होता है, और वो फ्लो होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण। तो बेसिक यही इसका जो प्रिंसिपल है वो हमारा ये है कि हम जो इसके अंदर लाइट का वो करते हैं इंसिडेंट करते हैं वो आपका इंट्रेंसिक लेयर पर किया जाता है, ठीक है। तो आज के हमारे दो टॉपिक जो कि हमारे पीएन फोटो डायोड और पिन फोटो डायोड थे, वो कंप्लीट मैंने आपको वर्किंग समझा दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर समझ नहीं आई हैं, आप लोगों को कुछ इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके बाद वो रहेगा एवलांचे फोटो डायोड और डिफरेंट टाइप के फोटो ट्रांजिस्टर हो गया इस तरीके के, जो कि हमारे ऑप्टिकल डिटेक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको मतलब आप स्टडी करेंगे, अगर
आपके इन वीडियो इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं, आपसे अब नेक्स्ट मुलाकात होगी आपका टॉपिक जब मैं लेके आऊंगा एवलांचे फोटो डायोड और आपका फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही समाप्त करते हैं, आपका मतलब ये लेक्चर अच्छी लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू क्लास।